नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ता पर जुलाई 2021 तक लगी रोक। खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2020 के बाद मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। वहीं 1 जुलाई 2020 से जो डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा। इन भत्तों को फ्रीज करने से कुल 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो इस संक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड के कई भाग में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। शुक्रवार तक तापमान बढ़ता रहेगा। सिमडेगा जिले के कुछ हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। सरकारी स्कूल 20 मई तक रहेंगे बंद। 25 मई से नामांकन शुरू करने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। स्कूलों को खोलने से पहले सैनिटाइजर किया जाएगा। 23 मई से शिक्षक विद्यालय आएंगे और 25 मई से नामांकन शुरू कर 15 जून तक चलेगा और 15 जून से ही पठन पाठन शुरू किया जाएगा। वहीं साहेबगंज में स्कूल के ट्यूशन फीस की माफ़ी को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें स्कूलों ने फीस माफ़ी से इनकार किया। झारखंड में 7 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें हिंद पीढ़ी के 6 नए मामले और रांची के बेड़ों से एक नया मामला आया है। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 49 से बढ़कर 56 हुई। वहीं 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दिया गया। झारखंड में संक्रमण से मृतकों की संख्या 3 है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 21,700 हो चुका है। मजदूरों के सहायता के लिए बना मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप पर 29 अप्रैल तक मजदूर आवेदन दे सकेंगे। राज्य के 2,21,000 मजदूर अब तक अपना आवेदन दिया है। आधार सत्यापन हो जाने के बाद सहायता राशि उनके खाते में भेज दिया जाएगा। मजदूरों द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग पर 29 अप्रैल तक आवेदन देने की समय सीमा बढ़ा दिया गया है। झारखंड में बिना कार्ड के भी राशन ले सकेंगे लोग, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि दिल्ली में सरकार बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन देती है, इसलिए झारखंड सरकार चाहे तो यहां भी राशन देने की व्यवस्था कर सकती है। झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना तथा तंबाकू जैसे उत्पादों को खाने पीने पर रोक लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पान मसाला, खैनी, गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और इस पर जुर्माना के साथ साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की जेल और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई। पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर 20,31,77,000 रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कोर्ट ने मार्च महीने में दोषी करार दिया था, जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई। दुमका के मसानजोर डैम में नौका पलटने से एक ही परिवार के 4 लोग डूबे। जानकारी के मुताबिक शाम को अचानक मौसम खराब होने के कारण नौका अनियंत्रित हो गई और उसे काबू नहीं किया जा सका। राज्य से बाहर फंसे मजदूरों ने झारखंड सरकार से लगातार घर वापसी को लेकर गुहार लगा रहे हैं। कुछ मजदूरों का कहना है कि हमें यहां कोई मदद नहीं मिल पा रहा। वहीं गुजरात में फंसे 20 मजदूरों ने हेमंत सोरेन से निवेदन किया है कि उन्हें खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।